1965 में शुरू हुआ, जुलाई 1965 से ये सिनेमा शुरू हुआ और अब तक ये चल रहा है। विशेषता तो ये है कि आज तक ये मैदान में टिका हुआ है। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, मॉल आते चले गए, लेकिन अभी सिनेमा ही बरकरार है और बिजनेस बढ़िया कर रहा है। 2004 में पिक्चर एक आई थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, वो पिक्चर हम लोग लगी और वो पिक्चर 32 हफ्ते हमारे चले। उससे ये लगा कि नहीं, इस भोजपुरी फिल्म की ऑडियंस बहुत अच्छी है और उसी पर हम लोग कंटिन्यू कर गया और आज भी हम उसी पर चल रहे हैं। हम 100% भोजपुरी पे ही चलते हैं। जिस तरह महादेव में पूरी सृष्टि सम्मिलित है, उसी तरह महादेव की नगरी बनारस भी हर जगह से आने वालों को अपने आप में बसा लेती है, जिसका एक उदाहरण है यहाँ की हर फील्ड में अलग अलग जगह के लोगों और भाषाओं का होना। सिर्फ काम और इधर उधर की चीज़ों में ही नहीं, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस समय बनारस ने एक ऐसी भाषा को बसाया हुआ है जिसको आज लोग भोजपुरी के नाम से जानते हैं और बनारस के इसी भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ा रहा है ये आनंद सिनेमा। इस सिनेमा की खास बात ये है कि यहाँ जितनी भी फिल्में लगती हैं वो सब भोजपुरी होती हैं और इसको देखने वाले भी इस भाषा को भली भांति समझते हैं। अरिमा द्विवेदी, ईटीवी, बनारस।